और सीधे लिए चलते हैं आपको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सीधे चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबकी राय लेकर आगे बढ़ेंगे, जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी मजबूत बनाएंगे। तो ये चीजें जो हमने उस उदयपुर डिक्लेरेशन में किया है वही मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो है। मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो सेपरेट हो नहीं सकता, जो सभी ने मिलकर तैयार किया है। क्या मैं ये कहूं कि उसमें कमजोरियां? अरे आज हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उम्मीदवार भी पार्ट ऑफ दैट रेजोल्यूशन, सो इट इज आवर ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट इट। अगर नई चीजें जो भी आएंगे हम मिलके करेंगे। हमारे पास वर्किंग कमिटी होती है, इलेक्शन कमिटी में सिलेक्शन के लिए इलेक्शन कमिटी होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, अंतिम में कोर कमिटी भी कभी बनेगी। तो हर विषय पे हमारे पास एक स्टेज है। अगर कोई चुनाव भी होता है डीसीसी के रिकमेंडेशन लेते हैं, पीसीसी लेते हैं और फिर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट लेते हैं। ये सब चीजें लेकिन लोग उसको ये इनके पास डेमोक्रेसी नहीं, किसको पूछते नहीं करते। हम तो सबसे पूछते हैं, नहीं पूछने वाले कौन है? वो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, वो किसको भी नहीं पूछते। रातों रात चीफ मिनिस्टर बदलते हैं, रातों रात अध्यक्ष बदल के नया लाते हैं, एक्सटेंशन भी वही करते हैं और हमको बोलते हैं कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं, किसी एक को फॉलो कर रहे। अरे हम सबको लेके जाने के लिए एक आज हमने तय किया है। मैं कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास रखता हूँ, सबके साथ कलेक्टिवली कंसल्टेशन का प्रोसेस रखूंगा और सबको साथ लेके मैं चलूंगा। बस इतनी बात मैं आपके सामने कहने के लिए आया हूँ। थैंक यू। कांग्रेस की सबसे ज्यादा बड़ी कमजोरी कौन है जिसको आप दूर करना चाहेंगे? देखिए मैं संगठन मजबूत करना चाहता हूँ और जो जो संगठन में कमियां हैं जब चर्चा आती है अब उसको लेके अलग अलग स्टेट में अलग अलग समस्याएं हैं। केरल की अलग समस्या हो सकती है, तमिलनाडु को अलग है, बिहार का अलग है, यूपी में एक और तरीके, तो हर राज्य में। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सियासी हमला बोला बीजेपी पर।